हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिश। ये जो मेरे हाथ में है इसे कहते हैं पेठा। इसको तीन चार नामों से जाना जाता है। इसको पेठा भी कहते हैं, इसको एश गार्ड भी बोलते हैं, इसको विंटर मेलन भी बोलते हैं, और इसको सफ़ेद कद्दू यानी कि वाइट पम्पकिन भी बोला जाता है। क्योंकि एक्चुअली कद्दू जो होता है वो लाल रंग का होता है, इसको जब आप कट करते हैं तो ये वाइट कलर का निकलता है। देखिए, ये जो हेल्थ वाइज बहुत ही ये रिच फूड है, ये बहुत ही रिच सोर्स है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहला बेनिफिट इसका ये है कि इसको वेट बैलेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन बी होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन सी का ये सोर्स है, और ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे पेट में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और पेट साफ भी करता है। इसलिए जब अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पेट साफ करता है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम होने की वजह से जो ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है उसको भी ये कम करता है, इसलिए ये पाइल्स वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। तो बेनिफिट्स के साथ साथ इसके यूजेस भी बहुत तरीके से होते हैं। इसका यूज़ सबसे पहला और बहुत ही फेमस इसका यूज़ है, इसका नाम ही जैसा कि है, इसे कहते हैं पेठा, और इससे बनाया जाता है आगरे का पेठा, जो कि बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है। दूसरा इसका यूज़ है, इसको जूस बना के भी पिया जाता है। तीसरा इसका यूज़ है, इसको सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और चौथा इसका यूज़ है कि इसको सूप भी इसका बनाया जाता है, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी सूप इन दो चीज़ों का, एक तो पेठा और दूसरा इसको मैंने अभी यूज़ किया है स्वीट कॉर्न। अभी मौसम है, इन दोनों ही चीज़ों का अभी मौसम है, अभी स्वीट कॉर्न और एश गार्ड यानी कि पेठा, ये दोनों ही बहुत आ रहे हैं और बहुत ही आसान है ये बनाने में, और ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एक तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे साथ इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे बनाया जाता है। सूप के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए मैं बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए पेठा, और हमें चाहिए इसके लिए स्वीट कॉर्न, नमक, थोड़ी सी चीनी और काली मिर्च, और इसके साथ ही हमें इसमें फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे लहसुन का और नींबू का। इन दोनों का फ्लेवर इस सूप में बहुत ही टेस्टी आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पेठे को कट कर लेते हैं। देखिए, अंदर से इस तरीके का व्हाइट निकलता है, इसमें बीच में बीज और गूदा होते हैं, और ऊपर से ये इसका छिलका होता है। तो हमको ये बीज वाला जो सॉफ्ट पोर्शन है वो, और ग्रीन जो छिलके वाला पोर्शन है वो, ये पूरा अलग कर देना है, और व्हाइट हमको छोटे छोटे क्यूब जैसे पीसेस कर लेने हैं। अब हम ये इस आधे पेठे का सूप बना रहे हैं, तो सूप हम इसकी सबसे पहले पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब इस तरीके से आपने कलियां इसकी काटनी है। अब ये इस तरीके से इसका छिलका हटा लीजिए, ये सॉफ्ट होता है, बहुत आराम से आपका ये छिलका हट जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये जो बीज वाला पोर्शन दिख रहा है गूदे वाला, इसको भी आपको हटा देना है। कुछ बीज अगर और रह जाते हैं तो आप इनको अलग से हटा सकते हैं। और अब इसके पीसेस हम कर लेंगे। ये देखिए, तो ये वाइट पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको उबलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए आप इसको ओपन कुक कर सकते हैं। जैसे सूप में कई बार हमको प्रेशर कुक करना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अभी हमारा पेठा कट गया है, इसमें करीब एक गिलास आप पानी डाल दीजिए। देखिए, पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसी पानी को यूज़ करना है, इस पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो करीब एक गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब ये पेठे में हम नमक भी डाल देंगे बॉईल होने के होते टाइम। अब ये नमक वाले पानी में ये अभी पेठा बॉईल हो जाएगा। दूसरा, ये जो हमने स्वीट कॉर्न लिया है इसको भी आप उबाल लीजिए, और उबालने के बाद इसके दाने निकाल लीजिए। देखिए, स्वीट कॉर्न को भी आप उबालने के लिए रख दीजिए।
ये स्वीट कॉर्न बॉईल हो जाए तो उसके दाने निकाल लीजिए। दाने निकालने का सबसे बेहतर मेथड है कि ये जो वर्टिकल लाइन दिखती है, आप एक लाइन को इस तरीके से आप चाकू से निकालिए। जैसे ये एक लाइन वर्टिकल निकली तो ये आपके दाने बहुत जल्दी से इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन निकालेंगे तो जल्दी से निकल जाएंगे। और इनको निकाल के अलग कर लीजिए। ये हमारा पेठे को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आप गैस बंद कर दीजिए। देखिए उबल के सॉफ्ट हो चुके हैं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये हमने ऑलरेडी भगोनी में लिए हैं। अब आप हैंड ब्लेंडर लीजिए और इसको आप पीस लीजिए। बहुत गर्म रहता है उबलते टाइम, तो आप इसमें थोड़ा सा बर्फ ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए पीसते टाइम। देखिए अगर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है आपको तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम लोग। अब पीसते टाइम ही हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। हमारा पेठा पिस चुका है, अब हमें उसमें छौंक लगाना है। तो उसके लिए हम गार्लिक की कलियों को छील लेंगे। ये मैंने छीलने के लिए गार्लिक पीलर का यूज़ किया है। 4 से 5 आप गार्लिक की क्लॉव्स इसमें ले लीजिए। ये देखिए गार्लिक पीलर से बहुत ही आसानी से फटाफट आपका ये पील अलग हो जाता है गार्लिक का। ये जो लहसुन हमने छील लिया है इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी अदरक ले लेंगे और अदरक ग्रेट कर लेंगे। अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए और इसको भी आप ग्रेट कर लीजिए साथ में। अब आप छौंक लगाने के लिए 1 चम्मच बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है। गैस ऑन करके आप इसमें मेल्ट कर लीजिए। देखिए बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसको जस्ट आपको ये लहसुन की इसमें से थोड़ा सा सिक जाए तब तक इसको आपको हिलाना है 1 से 2 सेकंड तक। ये लहसुन की इसमें से जो स्मेल है वो अच्छी पकने की स्मेल आपको आने लग जाए तब तक इसको पकाना है करीब आधे से 1 मिनट तक। ये हमारा तैयार हो गया है छौंक, अब हम इसमें डाल देंगे ये पेठे का जो हमने पीस के रखा हुआ था पल्प, उसमें डाल देंगे। ये अगर इसमें कुछ बच जाता है तो आप ये डालिए पेठा, इससे क्या होगा कि ये आपका बर्तन भी साफ हो जाएगा और इसमें पूरा आपका ये बटर चला जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया है, आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा पानी और डालिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस पल्प में थोड़े से रेशे रह जाते हैं पेठे के और गार्लिक के लहसुन के, इसलिए हम इसको अब एक बार छान लेंगे। तो हम इसको दूसरी भगोनी में एक बार अब छान लेते हैं। छानने के लिए आप ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कीजिए इसको, किसी कटोरी से या चम्मच से आप कर सकते हैं तो ये प्रोसेस इजी हो जाएगा और जल्दी छन जाएगा। क्योंकि इसका ये जो है थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए इसको छनने में थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, इतना थिन नहीं होता। और ये इसीलिए स्टमक फिलिंग भी होता है ये सूप बहुत ही। इसको बिना छाने भी वैसे पिया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक है। मैं इसको बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि मुँह में हमारे कुछ आ गया, इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। अदरवाइज ये इसका हर एक जो है पल्प वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा है आपके पेट के लिए। तो आप इसको होलसम पीजिए, मैं यही एडवाइस करूँगी। और छानेंगे तो भी बहुत ही कम, देखिए मैंने इसमें बचाया है और बाकी हमारा पूरा पल्प मैंने ले लिया है।
देखिए मैं आपको अभी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप इसको पतला कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें ये जो हमने स्वीट कॉर्न के दाने निकाल के रखे थे ये इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर इसके साथ में उबाल लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें एक जी हो जाएंगे स्वीट कॉर्न के दाने। अगर इसमें नमक आपको कम लग रहा है इस स्टेज पे भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे कम था इसलिए अभी मैं नमक डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रॉक सॉल्ट, इसको सेंधा नमक भी बोला जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। ये देखिए नींबू ये थोड़ा बड़ा है और इसमें रस ज़्यादा है इसलिए मैं आधा ही यूज़ कर रही हूँ। आप रस के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो और डाल दीजिए। ये मैंने इसमें डाल दिया आधा नींबू का रस। तो ये गर्मा गर्म सूप आपका रेडी है सर्व करने के लिए और बहुत ही एकदम गर्मा गर्म बढ़िया सूप दिखाई दे रहा है। बहुत ही टेस्टी सूप बना है ये, बहुत ही आपको फायदेमंद भी है, न्यूट्रिशन भी है और ये टेस्ट में भी लाजवाब है। आप एक बार बना के जरूर देखिए। बच्चों के लिए भी वेट मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने या कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और पेट अच्छा रखने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और गुणों से भरपूर है और साथ ही साथ टेस्ट से भी भरपूर है। तो एक बार बनाइए और ज़रूर खाइए और खिलाइए। मैं और रेसिपीज लेके आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।